अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें और दुआ में याद रखते रहा करें। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो, मैंने सोचा था मैं आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। तो जनाब, क्योंकि ये है, शॉप का नाम है फ्लाइंग टाइगर, ये है डेनमार्क की कंपनी और यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइसेस हैं। बहुत अब आपको पता है क्रिसमस आने वाली है, न्यू ईयर आने वाली है, तो जनाब इन्होंने अपने सारे जो भी इनकी होती है फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग डेकोरेशंस होती हैं वो निकाली हुई। बहुत छोटू सा हस्बैंड वाइफ है सांता क्लॉज, उनका बेबी है, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और मुझे इनमें से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं डेकोरेशन के लिए, जस्ट डेकोरेट करने के लिए। डियर बहुत क्यूट लग रहा था, तो बस देखी मैंने कहा चलो मैं अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे से पैग्स थे, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, आप बच्चों को लेटर्स के तौर पे भी करा सकते हैं। मैं बहन को करवाती होती थी ये रेजर्स, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, बहुत ज़्यादा रेजर्स कलेक्ट करने का शौक़ था मुझे। लेकिन अभी इब्राहिम के लिए ये यूज़फुल नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा राइटिंग का काम नहीं मिलता। सो जनाब, मुझे यहाँ पर जो सबसे मज़े की चीज़ लगी ना, वो ये जो छोटे छोटे से पपेट ये डायनोज हैं, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, ये बहुत क्यूट लग रहे थे। और ये जो छोटा वाला स्टफ्ड डायनो है, ये भी मुझे मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा याद आ गया था इसको देख के, क्योंकि वो भी इतना छोटू सा है अभी। और जनाब, हम जो बचपन में कैमरास के साथ खेलते थे ना, जिसमें बारबीज आती थी, कोई एनिमल्स आते थे, जनाब इन्होंने कुछ मॉडर्न करके ना इसको बना दिया, अब बच्चे आजकल ये देखते। ये छोटा सा ये भी गेम ही है जैसे हम बचपन में खेलते होते थे वैसे ही। ये गर्ल्स के लिए, वो अगर बॉयज़ के लिए था तो जनाब गर्ल्स कहाँ पीछे रह सकती हैं, तो उन्होंने यूनिकॉर्न्स भी रखती हैं। यूनिकॉर्न बहुत क्यूट हैं और आई थिंक 1 यूरो के हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। ये मुझे बिल्कुल भी काम का नहीं लगा था बाय द वे। तो यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि सब चीज़ें हलाल थीं और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला जिसमें पिग फैट हो या कुछ भी जेलेटिन हो, मुझे नहीं मिला था ऐसा। तो मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय ये चीज़ की थी कि यहाँ पे खाने वाली चीज़ें हलाल हैं। और यहाँ पे जनाब हम आ गए हैं, इधर थोड़ी सी कटलरी है और डिफरेंट डेकोरेशन भी है, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था बबली सा। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो लगा, तो मैंने ये 3 स्ट्रॉस भी लिए थे इब्राहिम के लिए क्योंकि ग्लास के हैं और इजीली यूज़ेबल है। तो जनाब ये है जी बनाना स्टोर करने के लिए, मुझे नहीं पता ये कौन से लोग होते हैं, हम ये आया ये खाया ये वो गया ये वाला हिसाब है, लेकिन पता नहीं कौन लोग होते हैं जो बनानास को स्टोर करते हैं। हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, मज़े की लग रही थी ये शॉप मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो जी वीडियो बनाएं, आज हम पहला व्लॉग बनाते हैं और सबको दिखाते हैं। और जनाब ये बाउल्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत मिलते हैं इस तरह के, लेकिन जो पाकिस्तान की कटलरी है, पाकिस्तान के डेकोरेशन पीसेस हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं मिले इतने अच्छे। सबसे अच्छा जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये वॉचेस का बॉक्स मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। जर्मनी से मैंने लिया तो था लेकिन वो मेरा पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, वो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वॉचेस हैं, मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये ज्वेलरी बॉक्स है, मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, ये मुझे रिंग्स वाली की ज़रूरत है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना छोटी छोटी सी माउंटेन्स टाइप, तो ये जनाब रिंग्स के लिए है। ये बहुत क्यूट है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। ये भी अच्छे हैं, नाइस और डिसेंट हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये सोफ़ा लगा था, हार्ट शेप वाला। ये जनाब आंटी कुछ देख रही हैं तो हमने इनकी वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि जनाब हमें स्टोर वालों ने मना किया था कि आपने किसी बंदे की वीडियो नहीं बनानी। ये है, मेरा किसी इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, तुम आपको नहीं बताएंगे। ये कैंडल्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे प्लेन कैंडल्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी कैंडल्स अच्छी लगती हैं, मुझे प्लेन और कलरफुल कैंडल्स अच्छी लगती हैं। समटाइम डिसेंट भी अच्छी लगती हैं, जो एलिगेंट हों, ग्रे गोल्डन सिल्वर के साथ मुझे अच्छी लगती हैं। ये जनाब ये मेरी फ्रेंड ने बदतमीजी की थी, मुझे दिखाया था, वो लोगों के लिए हैं जो टॉयलेट में बहुत ज़्यादा बैठते हैं। और कैंडल्स हैं, आप कैंडल्स को एंजॉय करें। और किसी को पार्टी वगैरह करनी हो तो ये जनाब पार्टी हो रही है, सब देखें कि यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये जनाब सरप्राइजेस बॉक्सेस हैं जो 3 यूरो के हैं और ये हूँ मैं वीडियोग्राफी करते हुए। तो ये सरप्राइज बॉक्स का ये था कि हमें नहीं पता था इसमें क्या है और क्या नहीं।
और जनाब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये सारी क्रिसमस की चीज़ें हैं, शूज़ हैं, बहुत गर्म है यहाँ पे, बहुत सर्दी होने वाली है। और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे स्टफ्ड टॉयज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ग्रे वाला तो मुझे मेरा बेटा छोटा वाला लग रहा था, मूसा लग रहा था। और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खिलौने बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। ये मैग्नेटिक बुक है जो बहुत अच्छा है स्टोरी टेलिंग के लिए, बच्चों को क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए स्टोरी खुद बनाए। स्टोर बहुत अच्छा है और हर चीज़ बहुत अच्छी है, प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ है, हर चीज़ में बड़ा ध्यान रखा हुआ है। मुझे अच्छी लग रही थी चीज़ें, लेकिन इब्राहिम के लिए नहीं मैंने ली क्योंकि उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं और सिर्फ वो एक दिन या दो दिन खेलता है उन खिलौनों का और टाइम ओवर हो जाता है। मुझे ये छोटी सी कार बहुत क्यूट लग रही थी, या देखो बहुत छोटी सी है ये कार और मेटल की है, तो इसलिए 2 यूरो में वर्थ है इसकी। और जनाब ये मेरे पास जब मैं छोटी थी, हमारे पास एक होती थी कलेक्शन होती थी मेटल कार्स की। तो अभी जनाब हम इधर से अब जाने लगे हैं, आप देखें सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता। अब इनके पास रहेंगे थोड़ी सी चीज़ें हैं, हमारे पास है क्या है टाइम भी थोड़ा, क्योंकि हमें इन्होंने इंडिकेट कर दिया था कि आप अब बस करें वीडियो बनाना। तो जनाब हमने अपना बंद किया मुफ्त खाना। ये देखें स्टैचूज हैं, आजकल बहुत बच्चों को शौक हुआ है स्टैचूज को पेंट करने का, इब्राहिम को भी बहुत शौक हुआ। ये मैंने ब्लैक कैट वाली इब्राहिम के लिए बुक ली, मैं आपके साथ ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये है वुड का स्टैचू, ये वाला तो मुझे डरावना लगा था बहुत ज़्यादा, ये अच्छा लगा था मुझे। लेकिन लिया इसलिए नहीं क्योंकि फिर इब्राहिम इसके ऊपर पेंट कर सकता था, उसका कुछ पता नहीं है, वो कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे चीज़ें हैं, बॉयज़ के लिए भी चीज़ें हैं। ये आगे आगे हैं स्लाइम की तरह की कुछ चीज़ थी दो, लेकिन नहीं ली क्योंकि बहुत सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। ऐसे ही आपको अपनी डिफरेंट शॉप्स दिखाऊंगी यहाँ पे जो बहुत अच्छी लगेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, बाय।